तो क्या हाल चाल भाई? तो आज तारीख है, तारीख कितनी भैया? तारीख आज 12 13 कितने के दिन से? 13 तारीख है और टाइम हो रहा है, जो भी हो रहा है, कितना हो रहा है हमारे घड़ी में तो 12 बज रहे हैं, 12:10 और हम जा रहे हैं, वो हमने डिसाइड नहीं किया अभी, बस हम जा रहे हैं। और अगर 12 बजे का ना पता चले तो 12 बजे वाला बंदा भी आया वहां पे। तो हमने भाई सामान वाले ले लिया खाने पीने को, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमने ले लिया चावल और चिकन भी, मतलब जो खाते हैं उनके लिए। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। और ये मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा मीठा, ये हमारे पिनिया है जो भैया लेके आए थे घर से, कॉफी के साथ चलेगा, कॉफी के साथ। और ये है क्या, ये है शायद चिकन, चिकन बटर चिकन, बटर चिकन है, और बटर चिकन, बटर चिकन दबाव दम है बात में। और ये है आलू की सब्जी, सब्जी है कोई? हाँ, ये वेजिटेरियन सब्जी है। और वो एक अपना वो ले ले रहे हैं पतीला, मेरे पास भी आधी बोतल पड़ी है। तुमने भैया मैप में क्या डालेंगे? पहाड़ के ले चल गई पे स्पीकर, स्पीकर दो दो स्पीकर हो चुके हैं, एक थैला और है तेरे पास, ये रहना, स्पीकर दो हो चुके हैं और कैमरा वैमरा भी ले लिया भैया, ले लिया होगा ना? और कौन सा कैमरा पूरा तूने, क्या मतलब क्या नई चीज ली है? तो वहाँ के कपड़े हैं, मैंने डाली नहीं है, जैकेट सही है पर अभी सही लग रही है मुझे भैया, पूरे ट्रेंडी है हमारे, गाड़ी में बैग ले लिया है, स्पीकर हो गया भैया, कपड़े खाने पीने का सामान, जब थकावट हो जाएगी तो देसी घी, देसी घी भी है, देसी घी भी है, पिनिया देसी घी, पिनिया। वो देखो पाल साहब की एंट्री, देखो हाथ में देखो, ये आगे दे दो, और ये कुदरत का करिश्मा भी है, अभी पैसा ये आगे दे दो, क्या आगे रात को मिलेगा, ऐसे नहीं होगा ये, अरे आगे हम गाड़ी चलाए तुम पी रहे हो, ऐसी फीलिंग नहीं, कोई नहीं चलेगा, थोड़ी देर निकल चुके हम लोग, हमारे सब पूरा मॉल सेट है, मगर गाड़ी वापस घुमाई गई थी क्योंकि मेन चीज एक तार रह गई थी हमारी, वो वापस लेने के लिए हम दोबारा मुड़े थे। तो हम लोगों ने अभी डेस्टिनेशन क्या हमारा भैया जो डाला है, डेस्टिनेशन है पहाड़, गूगल में पहाड़ डाल दिया, हम हमारी सोच इतनी खुली हुई है कि हम किसी नाम पे डिपेंड नहीं करते, किसी बंदिशों में नहीं है, बंदिशों में नहीं, सही है। तो पहाड़ डाला था हिंदी में आपने गूगल में, तो ऑस्ट्रेलिया पहाड़ डाला, तो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके माउंटेन कर दिया, अच्छा तभी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने ध्यान कर लिया, वो एक्चुअल में पहाड़ की कहीं गार्बेज वार्बेज के पहाड़ पे तो नहीं लगे जा रहे दिल्ली वाले? नहीं नहीं, वो दिल्ली वाले पहाड़ नहीं है, जैसे दिल्ली पीछे बैठे है हमारे, क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम लाल जी, जो हमारे फाइनेंसर दादा बैठे हैं कि मतलब ये सारे टूर का खर्चा भी यही उठाए, इधर ही है। Thank you.
कितना कितनी देर 40 मिनट के ड्राइव के बाद अच्छा हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? ये जगह तो खूबसूरत है पर जगह का नाम नहीं पता, नाम नहीं बस पहाड़ पता है इसका। आपसे हमें पता चल जाएगा वहाँ पे पढ़ेंगे ना जाके। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे लिखा होगा ये टावर वगैरह कोई। और अभी हम इसमें पानी डाल दें क्योंकि शीशा वगैरह कई बार गंदा हो जाता है। तो भाई फाइनली हम निकल पड़े जगह का नाम पता लगाने। इसे को क्या कहते हैं? बिल्कुल यहाँ से सबकी खास बात यहाँ से है कि ये बहुत ऊंचाई पे इसके से यहाँ से सिटी दिखती है। सिटी भी दिखती है यहाँ से। तो क्या लिखा है? क्राउ ट्रैक ऑन गार्डन हिल इसका नाम यही है। अच्छा यही नाम था जो हमने पढ़ के इग्नोर कर दिया वो नाम ही था इसका। तो भाई बढ़िया काफ़ी सही नज़ारा है। वहाँ पे धुआं निकल रहा है तो कोई इंडियन पराठे बना रहे आलू के ही गोभी के जिस आलू के लग रहा है आलू के लग रहा ज्यादा धुआं है ना सैटरडे तो आलू के बने हैं सही है। ये देखिए आपको अभी कैमरे में शायद तक ना आए पर इसमें हम गोप्रो की क्लिप ऐड करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप इसमें दिखाओ। हाँ सैमसंग में दिखेगा जो आप जूम करो फिर मैं कैमरा लगा लेता हूँ इसमें। अभी गली भी दिखाएंगे वो फ्लिंडर स्ट्रीट की। हाँ मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पे शादी हो रही है पहले तो आपको शादी दिखाता हूँ। चलें क्या? शादी शादी दिखाते हैं आपको कैमरे में कैमरा दिखाएंगे। और ये देखिए दुल्हन आई है दोनों दो और नहीं नहीं दो दो शादी ये देखिए दो दो ले दे यार बीप बीप। और ये कुछ सेट कर रही है भाई। ये है सैमसंग एसेट्स के साथ। ये कितनी शादी हो रही है भाई सामूहिक विवाह लग रहा है मुझे। मुझे लगता है मंत्री आए हुए हैं। नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सिर्फ कन्या आ रखी है? वो भी पीछे भी है। नहीं भैया एक काम करते हैं चलते हैं क्या पता पीआर वगैरह के चांसेस हो। हाँ हो सकता है गड़े आते और उसने कुछ फेंका है। अरे वो अच्छा चश्मे गिरे हैं उसके पूरा। मैं अभी आपको सिटी दिखा। अरे भाई सिटी भी दिखे। ओ भाई साहब और ये देखिए सिटी और ये मतलब कोई नहा रहा है सिटी के तो गौतम सिटी लग रहा है भाई। यहाँ पे सिटी की बिल्डिंग है जो यहाँ से कितने किलोमीटर होगी लगभग? ये यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 70 किलोमीटर अराउंड 70 भाई साहब 70 किलोमीटर को जूम करके दिखा रहे हैं ये कैमरा भाई साहब। और ये थोड़ा पीछे कर लें तो अच्छा। और ये काफ़ी सही भाई हम इस जगह को हल्के में ले रहे थे पर ये जगह को जरूर कुछ तगड़ी चीज़ देखो माल्या जी ने बनवाई है। कोरिया जी भी है विजय माल्या ने वियतनाम में 1960 का कुछ है सिस्टम। और इसमें ये लिखा हुआ है शेयर ऑफ एल्थम वॉर मेमोरी वार मेमोरियल टावर है। दीज मैंस आर डाइड ऑन देयर कंट्री। अच्छा इन लोगों की डेथ हुई थी 1918 के अंदर 1914 सिद्धार्थ पाल भी लिखा है जो हमारे साथ भूत फिर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह पे भाई ऐसी सीरियस बात बता दिया करो जैसे इंडिया गेट पे फौजियों के नाम लिखे हमारे वैसे यहाँ पे। और इसके बारे में और खास गार्डन हिल अबाउट 1920 ये देखिए। तो इसमें भाई कहानी इसकी पढ़ के बताते हैं भाई नॉलेज अपने को भी नहीं है इस जगह की। तो लिखा मिनी नट गेट मिड नाइट विल लॉन्ग स्टार 1927 ऑयल इन केव द आर्टिस्ट विल वाज बोर्न इन हेलराइट। अच्छा अच्छा यहाँ पे एक आर्टिस्ट की भी वो बनाई है इन्होंने ये पत्थर उनके नाम का रखा हुआ है इधर ये देखिए जिस पर लोग पैर रख के जा चुके हैं बट फिलहाल ये तो बदतमीजी थी लोगों की। ये जो आर्टिस्ट था मैन इन मेमोरी ऑफ दोज मैंने इन गेट जो आर्टिस्ट हैं उनके ये नाम का पता व्लॉगिंग करते करते हमारा फ़ोन नीचे पड़ गया। ये गार्डन हिल अबाउट 1920 के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड्रू रॉस हेडमास्टर कैंगरू ग्राउंड स्कूल काफ़ी ब्लरी सी फोटो। इस फोटो के अंदर लोगों की शक्ल को छोड़ के सब कुछ दिख रहा है शक्ल ही नहीं दिख रही बस कि कोई पहचान ना ले तो हम लोग वापस अपनी गाड़ी में जाते हुए क्योंकि इस जगह पे इतना खास टाइम लगाने के लिए कुछ है नहीं। तो हम लोग अपनी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और डेस्टिनेशन का नाम है पहाड़। तो चलते हैं मैं तो सोच रहा हूँ कि यार उधर तो
अभी हम लोग निकल चुके कंगारू ग्राउंड से। ओ दे कंगारू का झुंड बैठा वहां पे। ओ भाई कंगारू दिखा देंगे टेंशन नहीं लेने। हम लोग कंगारू ग्राउंड से निकल चुके, हमें एंडिंग में पता लगा उसका नाम कंगारू ग्राउंड था। हमने पहले प्रोग्राम रखा था उसका, पहले हमने प्रो ट्रैकर टावर कुछ ऐसा रखा था। तो हम चलो कंगारू ग्राउंड से अब हम निकल चुके हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन जिसका नाम है पहाड़। तो ये रास्ता मनाली की तरफ लेके जा रहा है हमें, तो हम मेलबर्न टू मनाली जा रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे एक्चुअली इस जगह का नाम ही कंगारू ग्राउंड है, जो जितनी भी चीजें हैं अभी कंगारू ग्राउंड सीमेंट्री आ गई वो भी कंगारू ग्राउंड है, और ये टाउन का नाम ही कंगारू ग्राउंड है। हालांकि पीछे हमने भेड़िया बैठा रखा है। तो भैया आपको रिस्क में डर वगैरह नहीं लगता क्या ऐसे? रिस्क तो देखिए रहता ही है। अच्छा तो कैसे आप मिनिमाइज करते हैं रिस्क फैक्टर, कैसे मतलब आप अपने वॉइस से फील कैसे करते हैं, सेफ कैसे फील करते हैं? जो ना मुझे पता है भेड़ी की खुराक क्या है। तो मैं इसकी खुराक पूरी रखता हूँ कि मतलब भेड़ी को भूख कम लगे सही है। तो मुझे पता है अगर भूख लगेगी तो फिर ऑटोमेटिकली मेरी तरफ ये होगा आकर्षित होगा, तो मैं इसकी वाइन की बोतल और ये सारा कुछ पूरा रखता हूँ। जो आपने सारा कुछ समझदारी से सारा कुछ वर्ड लगा दिया, वर्ड बहुत सही है क्योंकि ऑडियंस वाइन के अलावा जानने में इच्छुक नहीं रहेगी, कई ऑफेंड हो सकती है ऑडियंस। भेड़िए को भेड़िए ने नाम मिले, भेड़िए की शादी किसी और से करनी पड़े। तो हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड में एंटर हो चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ से मनाली पहुंच जाएंगे। स्विट्जरलैंड आ चुका है भाई। अब उसमें को मैंने बोला, मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँ तुम्हारा ऑलरेडी बुक हो भाई, तेरे को 10-20-40 रुपए कुछ चाहिए ना, आई ट्रांसफर यू। मैं कहते नो वरीज कम एंड पे, नो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है हाँ बड़ी बढ़िया नहीं बढ़िया ये बात क्या वहाँ की। तो हमारे दर्शकों की फरमाइश पे परफेक्ट गाना अलका रागिनी और उदित नारायण जी की अलका रागिनी रंजीत बाबा जी सुनाएंगे तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत ना करें। शुरू करिए वो नीचे देख पहले नदी देख यहाँ पे रोकना है।
लम्हे में है ये लम्हा कहाँ। तुम हो गए सिंगर। अच्छा ठीक है, मैं होऊंगा डांसर। यार नचना है पांव पैर चला। हाँ आ गया फर्स्ट आइस नो ड्राइव स्लोली और शुगर अब पैंच बोर्ड आया। आइस का तो पता नहीं है, पता नहीं आइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी मिलेगी, उस दिन तो ऐसे शुरू हो गई थी, ऐसे शुरू हो गए थे। हाँ भाई यहाँ पे चल रही है रोड रेसिंग। आगे हमारे BMW, उससे आगे कौन सी थी? सुब्रू। हाँ वो सुब्रू स्पार्क, वो तो गायब हो चुकी है मुझे लग रहा है। और हमारी Hyundai सेंट इसको टक्कर दे रही है। टक्कर तो है, तो निकाल लेंगे वो... तो क्या बच्चा है। ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा आप पे उम्मीदों का। चलो शुक्र है रही 2 किलोमीटर की, प्रेशर ज्यादा टाइम नहीं। ये बर्फ तो नहीं दिख रही मुझे यार। एक तो इन्होंने असिस्टेंट तगड़ा रखा हुआ है ऐसे है। महंगी गाड़ी है ना, है तो वही हम लोग अब कुल मिला कितने घंटे की ड्राइव है से भाई? होगी 2.5 घंटे की ड्राइव। ठीक है 2.5 घंटे की मेलबर्न से। हाँ 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद अब बीच में एक जगह थर्स्टी क्रो थर्स्टी पॉइंट रुकने के बाद थर्स्टी क्रो थर्स्टी कैमल थर्स्टी कैमल में हमारा थर्स्टी क्रो रुका और फिर कुछ परचेजिंग वगैरह मेरे को पिलाया और हम लोग यहाँ पहुँचे। पीक पॉइंट है। तो इतने चार लोग क्या करेंगे उसमें? इसको पता नहीं ना, गुम हो जाएगा। ओए ठंडा रे भाई साहब। तो भाई यहाँ पे हमें करना क्या है अभी? मेरे को समझ में नहीं आया डेस्टिनेशन पे करना क्या है। करना ऊपर चढ़ना, देखिए अच्छा। यार बर्फ मिल जाए कहीं। अच्छा हमें बर्फ ढूंढनी है अब। ये मनाली शिमला की तरह नहीं, तो बर्फ सड़क पे मिल जाएगी ऐसा नहीं है। हमें ढूंढनी पड़ेगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी बर्फ यहाँ पे। देखिए बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करिए। टावर है मेरे पीछे, तो वहाँ पे जाके आप मतलब चढ़ा के चढ़ के वहाँ पे बढ़िया व्यू आता है। तो सैटरडे काफी लोग आ रखे हैं यहाँ पे और काफी सर्दी हो रखी है और मैंने भाई शॉर्ट्स पहन रखे हैं, तो फिलहाल मुझे लग रही है बहुत पैरों में सर्दी, बट ठीक है अच्छा कम्फर्टेबल था रास्ते में। और हम खाना वगैरह लाए हैं तो यहाँ पे किसी जगह पे जाके उसे गर्म कर लेंगे और खाएंगे भी। और स्नैक्स वगैरह तो चल ही रहे हैं गाड़ी में। भैया और होगा चल रहा है अपना ड्रिंक, काफ़ी बढ़िया मॉल है पीछे आपको दिख रहा होगा। तो भाई गाड़ी अगर ऑस्ट्रेलिया में आप हो तो गाड़ी अगर आपके पास है तो आप काफ़ी जगह पे घूमने के लिए जा सकते हो, काफ़ी अच्छा पॉइंट। और बारिश की एक आधी बूंदे मेरे पे गिर चुके हैं मुझे लग रहा है। पहले हमको बारिश दिखा रहा था तो हमारा पहले प्लान कैंसिल करने का था आज का, पर फिर हमने देखा कि बारिश अच्छी अच्छी धूप आ रखी थी तो हमने आज आने का सोचा। और फिलहाल अभी तो बारिश हुई नहीं है बट चांसेस लग रहे हैं मुझे बारिश के। तो इधर पीछे मेरे ये पेड़ ही पेड़ है, पहाड़ी सी है, आगे का व्यू आपको पहाड़ी पे चढ़ के दिखाता हूँ। हो गया तस्दीक करो। तो भाई हम लोग जा रहे हैं उस टावर के ऊपर जो पीछे आपको मेरे दिख रहा होगा। तो हमने ले लिया हमारा साथ में बाजा और प्लान है हमारे भैया का ऊपर जाके बजाने का इसे, और साथ में ये रखा माइक, अनाउंसमेंट कर देंगे वहाँ जाके कि दिल्ली वाले आ चुके हैं भाई। तो चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमें बिल्कुल टॉप पे जाना है। सर्दी हर कदम के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है, बस इतना देख हाथ से फ़ोन ना गिरे बस ये भी है।
अभी कहानी जवाब दे दे इसकी। अभी धीरे हो रहा, पहले बड़ा फुर्तीला चढ़ा। अभी यहाँ पे ऊपर चढ़ के स्नो ढूंढनी है ना, उम्मीद तो ये थी कि हमें स्नो मिल जाएगी, बट फिलहाल टास्क हमारे लिए है कि हमें स्नो ढूंढनी पड़ेगी। भाई बहुत तेज हो रही है और मुझे डर है, मुझे मेरे फोन का। प्रदीप भैया, भैया एक मिनट ये पकड़ो स्पीकर। काफी सही जी हुआ यहाँ से। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल टॉप पे। वाह, अब हमारे पीछे का नजारा। अब स्नो ढूंढनी है, हमारा टास्क यहाँ पे ये है, कहीं तो है। यहाँ पे है, आप लोगों के पीछे पक्का है। उम्मीद ये थी कि हमें हर जगह स्नो दिखेगी, अब हमें सिर्फ अंदाजों में स्नो दिख रही है। अंदाजा लगा रहे हैं एक तो वहाँ पे स्नो है जहाँ पे ना वो। और मेरे पास पूछा था कैमरे में हवा की आवाज़ आ रही होगी। ओ भाई साहब, टेम्परेचर कितना होगा भाई? काफ़ी हाईएस्ट, अभी पीक पे हैं हम, बहुत ऊंचा यहाँ से, मतलब काफ़ी आस पास है, इसके ऊपर कुछ हमें दिख नहीं रही है पहाड़ी, सिर्फ कोहरा दिख रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे स्पीकर का इंतजाम कैमरा, और वहाँ पे गाने का इंतजाम है, मॉल फुल सेट है, और हम यहाँ पे शॉर्ट्स में इतनी सर्दी में हिम्मत की दाद दी जाएगी। बंद कर ला, हिम्मत की दाद दी जाएगी। बस बस, ओ हो हो, हर तरफ कोहरा ही कोहरा, घना कोहरा। इसे ऑन कर, इसे ऑन कर, काका गाने चलो। ये भाई फॉर्म में ऐसे आ रहे हैं मुझे। बस इस तरफ नजारा तो इधर। यस यस यस, जगह नहीं दे रहे मुझे, ऐसे क्यों लग रहा है? लीज वीज भी लिया क्या इन्होंने? ये आज ही लिया क्या? वो श्रीलंकर वाली ओनर से लीज भी लिया मैंने ये वाली जगह। चलो चलो, अभी दिखा दो ये धुंधला क्यों। अच्छा अभी सही है, सिनेमैटिक है ना। या चाहिए? या। तो भाई अभी हम लोग वापस आ चुके हैं वहाँ से, हम लोग जा रहे हैं रिवर की तरफ, तो काफ़ी ठंडा हुआ, ऊपर हवा काफ़ी तेज चल रही है। अभी हम ये पेट्रोल पंप था उसके अंदर आ गए हैं, और अब हम मतलब उनको भैया से हमने बात की कि आपके पास माइक्रोवेव है कि नहीं, क्योंकि ये छोटा छोटा पेट्रोल पंप है तो ऑप्शंस वगैरह थोड़े कम होते, तो इनसे बोला उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक पर्सनल यूज़ के लिए अंदर है, तो हमने पूछा अगर आप उसमें गर्म कर सकते हैं, उन्होंने हाँ बोल दिया। तो ये शायद तक इंडियन नहीं लग रहा है, इंडियन है ना, इंडियन साउथ इंडियन, साउथ इंडियन है शायद तक। तो उनको बोला देखिए ये गर्म करते हैं आप, पता नहीं वो चार्ज करेंगे इस चीज़ का ही नहीं, शायद चार्ज चीज़ लेते हैं, क्योंकि जो बड़े वाले होते हैं उनमें आप चार्जेस देते हैं, पर इनका भी पता नहीं क्या सिस्टम कैसा रहेगा। तो हमें बेसिक यूज़ की सारी चीज़ें मिलती हैं, जो पेट्रोल की साइड की चीज़ें होती हैं, वो वायरस वगैरह हैं उनके निकल गए, तो वो दे रहे हैं हम, तो गर्म कर देंगे। तो हमने अभी खाना गर्म कर लिया, हम साइड में जाने के लिए। तो भैया जो थे वहाँ पे शॉप पे, वो हैदराबाद के थे, तो इंडिया हैदराबाद से बिलोंग कर रहे थे। तो ऑल सेट है, खाना हो गया गर्म, और रिवर साइड जाने का प्लान है। तो गंगा किनारे दाल भात खाया जाएगा, हाथों से कि चम्मच से है भैया?
बाकी हमारे साथ है एक मालिक जो हाथों से धक्का करेंगे उसके हाथ। तो चलिए वहाँ पहुँच के अब आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रहा है।